जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना चाहता था, यही चाहता था कि ऐसा ही इश्क नजर आए। अब जब भी लफ्ज आए, जब भी मिसरा आए, मेरे हुसैन का है, तो आपने हाथ उठाकर बोलना अपने अकीदे का इजहार करते हुए कि जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा ना सर्दी है, सर्दी की वजह से शामियाना लगाया हुआ है। अब साथ साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजमा ज्यादा होने की वजह से शामियाना से बाहर खड़े हैं। मुमकिन है कुछ लोगों को, लोग ये भी कहें कि जरगाम शाह साहब को चाहिए था कि शामियाना बाहर तक लगवाते, शामियाने के पीछे ठंडी हवा में खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया, तो शायद उनको पता नहीं कि इसमें भी मौलकी की मसलियत होती है। अब जो शामियाने के नीचे बैठे हैं वो तो बैठे हैं, जो बाहर खड़े हैं सर्दी में खुले आसमान के नीचे, अगर तुमसे कोई सवाल करे कि खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया, तो उनको बोलना कि तुम जिसे आसमां समझते हो, जिसे बोलना यार पीछे वाले तो बोलना कम से कम, माशाल्लाह साहब ने इस कलाम को लिखा है, खुदा उनको सेहत कुल्लियत फरमाए, उनके बेटे सलमान आजमी साहब को आलालीन में जगह अता फरमाए। अब आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ क्योंकि कलाम बहुत ज़्यादा तवील है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ शामिल सवाब होने के लिए आपके दरमियान पढ़ूँ, फिर कभी किसी मकाम पर आऊँगा तफसील से इंशाल्लाह इस कलाम को पेश करूँगा, क्योंकि मेरे बाद पढ़ने वाले बहुत सारे भी मौजूद हैं। समाप्त कीजिएगा, आखिरी मिसरा सुनिएगा, आखिरी मिसरे सुनने के बाद मेरे हुसैन का है दिल कहे तो ज़्यादा दिल ज़्यादा दे, तो फिर बोलिएगा हर जमाना मेरे हुसैन का है, कोई पूछे यकीनन हम सबको इस दुनिया से जाना है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, हर शख्स जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। जी सर, अच्छा दोबारा बोलो, कोई पूछे किसका है, लंबी उम्र का फरमाए।